दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं निकला हूँ अगवाड़ा फोर्ट के लिए। ये जो फोर्ट है नॉर्थ गोवा में बहुत ज्यादा फेमस फोर्ट है। ये फोर्ट दोस्तों लॉकडाउन के पहले से 5-6 महीने हो गया बंद पड़ा था। अभी कुछ दिन पहले इसको ओपन किया गया है। ऐसे में आज मैं जा रहा हूँ अगवाड़ा फोर्ट, तो ये वीडियो में सारे डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ। मैं कहीं रास्ते में हूँ, अगवाड़ा फोर्ट के लिए निकला हूँ, जाएंगे वहाँ पे। सारे डिटेल्स, क्या एंट्री फीस है, क्या व्यू मिलेगा आपको देखने के लिए, कितना टूरिस्ट है, ये सारे डिटेल्स ये वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो बने रहिए और चलते हैं अगवाड़ा फोर्ट और पूरा एक्सप्लोर करते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग निकले हैं अगवाड़ा फोर्ट के लिए। यहाँ पे ये प्लेस में आपको ये सारे बोट मिलते हैं। मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो, यहाँ से आपको बोट राइड, डॉल्फिन ट्रिप के लिए यहाँ से आपको लेके जाते हैं। ये देखिए, ये डॉल्फिन ट्रिप के लिए ऐसे बोट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ग्रीनरी आपको सामने दिख रहा है, मस्त ग्रीनरी है। यस, ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में ये जो घर दिख रहा है, यहाँ पे आपको जाके टिकट निकालना पड़ता है। टिकट काउंटर है यहाँ पे है। अभी चलते हैं अंदर। इसके हिसाब से तो लग रहा है अंदर काफ़ी टूरिस्ट रहेंगे, तो चलते हैं अंदर और अंदर का पूरा स्टेटस देखते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो, एक बड़े ग्रुप मेरे साथ अंदर जा रहे हैं। ठीक है, बड़ा लाइन रहेगा अभी एंटर करने के लिए। आपको थोड़ा बहुत जो प्रोसेस है ये आपको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ का जो एंट्री टिकट है, आप अगर कैश पे करते हो तो 25 रुपीज़ है, कार्ड पे करोगे तो 20 रुपया है, और फॉरेनर के लिए 300 रुपीज़ एंट्री टिकट है। पार्किंग यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ बाइक का और कार का 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, पीने का पानी लेफ्ट में, टॉयलेट है आपको, और किला जो फोर्ट है सामने है। आपको अगर पानी पीना है तो RO ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे आपको मिलता है। ये है एंट्रेंस। टिकट चेक, तो दोस्तों फाइनली मैं अभी हूँ अगवाड़ा फोर्ट के सेंटर में। ठीक है, यहाँ से मैं पूरा एक 360 व्यू दिखाता हूँ, चारों कॉर्नर का एंगल दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, ये देख रहे हो, ये है, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ये एंट्रेंस का साइट है। और मेरे पीछे ये है लाइट हाउस, इसके पीछे जो व्यू मिलता है आपको ये पेंजिम सिटी का, पूरा मांडवी रिवर का व्यू मिलेगा। और ये साइड में आप देख सकते हो, ये साइड में ये जो यहाँ पर लोग हैं, ये साइड में आपको जो डॉल्फिन ट्रिप के लिए बोट वगैरह जाता है, अरेबियन सी का व्यू ये साइड से आपको मिलेगा। और ये है एक व्यू पॉइंट, यहाँ से आपको जो नया लाइट हाउस है और जो अरेबियन सी का व्यू देखने को मिलता है। ये जो फोर्ट है दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके वजह से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टूरिस्ट है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो टूरिस्ट, और पूरा फोर्ट में अभी टूरिस्ट भरे पड़े हैं। ठीक है, तो बहुत फेमस है, नॉर्थ गोवा का एक फेमस फोर्ट आप बोल सकते हो। यहाँ से जो व्यू देखने को मिलता है, गजब का व्यू है दोस्तों। तो फाइनली अभी है स्टोरी टाइम। तो अगवाड़ा फोर्ट, ये फोर्ट इतना फेमस क्यों है, इतना टूरिस्ट यहाँ पे क्यों आते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। तो अगवाड़ा का मतलब पानी है पुर्तगाली लैंग्वेज में। ये जो फोर्ट है टू पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि ये अभी जो हम है ये अपर अगवाड़ा फोर्ट है, लोअर अगवाड़ा फोर्ट जो है ये सिंकेरिम बीच है, जो सिंकेरिम एरिया है उसको लोअर अगवाड़ा भी बोलते हैं। फोर्ट लगभग 1612 में पुर्तगालियों के द्वारा इसको बनाया गया था। फोर्ट ऐसे प्लेस में है
तीनों व्यू मिलता है। ये साइड में आपको पेंजिम सिटी का पूरा व्यू, जो मांडवी रिवर है उसका व्यू मिलता है। दूसरे साइड में जो राइट साइड में आपको पूरा अरेबियन सी का व्यू मिलता है। और पीछे मेरे पीछे देख रहे हो ये बारदेज एरिया का पूरा व्यू। तो उनका एक स्ट्रेटेजिक था, उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। और इसका चारों तरफ एक बड़ा सा खाई है, जो कि जो भी अटैकर अगर आते थे तो इसमें पानी भरा रहता तो उनको ऊपर आने को चांस नहीं था। और यहाँ इस फोर्ट को बनाने का मेन जो टारगेट था पुर्तगालियों का ये था। यहाँ पे यूरोप से जो शिप वगैरह आता था, लोअर अगुआडा फोर्ट है वहाँ पे डॉक होता था। यहाँ पे उनको पानी, स्वीट वाटर पानी यहाँ पे मिलता था। यहाँ पे एक झरना बोलते हैं स्वीट वाटर का, वहाँ से पानी रिफिल करते थे फिर आगे के लिए जाते थे। तो ये उनका मेन स्ट्रेटेजिक था। कहते यहाँ पे आते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे, अपना गोला बारूद का स्टोरेज यहाँ पे है, और उसके साथ यहाँ से पानी रिफिल करके फिर आगे के लिए वो लोग निकलते थे। और यहाँ पे एक लाइट हाउस भी आपको देखने को मिलता है, जो एशिया के सबसे पुराना लाइट हाउस है। हालांकि ये लाइट हाउस अभी ऑपरेशनल नहीं है, उसके बगल में नया एक लाइट हाउस बनाया है, ये अभी ऑपरेशनल है साइड वाला। ठीक है, तो ये है छोटा सा स्टोरी अबाउट अगुआडा फोर्ट जो है। बस हो गया, ये था छोटा सा स्टोरी। आपको डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, कौन से व्यू देखने को मिलता है और क्या आपको यहाँ पे फोटोशूट का ऑप्शन है, सारे हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, चलिए। सजेशन रहेगा, आप अगर ये फोर्ट विजिट करते हो, बेस्ट टाइम जो होगा ये अर्ली मॉर्निंग 9 बजे सुबह ओपन हो जाता है फोर्ट। 9 से 11 बजे तक आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद जो है इधर थोड़ा आपको गर्मी और धूप बिल्कुल मिलेगा। इसके बाद इवनिंग को आप विजिट कर सकते हो। इवनिंग को जो है यहाँ पे 6 बजे तक ओपन रहेगा, उससे पहले आपको ये फोर्ट विजिट करके आप जा सकते हो। दोपहर के टाइम में यहाँ पे धूप है, सुबह या फिर शाम को विजिट करना ये फोर्ट आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और लास्ट में आप अगर नॉर्थ गोवा प्लान कर रहे हो तो ये प्लेस बिल्कुल मस्ट विजिट प्लेस है, बहुत ही फेमस प्लेस है। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, और आप अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सेफ रहें। बाय बाय।